चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना के सांसद बने हैं तभी से ही आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनमें काफ़ी जोश है और लगातार नई नई रणनीति जो है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ से बनाई जाने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के मंडल कार्यालय पर, ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मंडल कार्यालय, और यहाँ पर एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में जो जिम्मेदार नेता हैं सहारनपुर जनपद के वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जाए तो यहाँ पर दलित और मुस्लिम समाज के जो सभी लोग हैं वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ एजेंडा है इस बैठक का, इस पर बात करेंगे अनीश प्रधान जी से। अनीश जी, अब तो रौनक रहने लगी दफ्तर पे, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, क्या रणनीतियां बन रही हैं? नहीं, खुशी है, पार्टियां जो तुम्हारी है, नेता हमारा सांसद बन गया तो खुशी है, खुशी की लहर में जो है मीटिंग होने लगी हैं। और सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम सलाम, और विकास भाई आपके TV9 भारत को भी मैं सलाम करता हूँ, और फेसबुक ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया को भी मेरा सलाम। सोशल मीडिया ना होती शायद हम दबे कुचले लोग आज उभर के यहाँ ना बैठते, उनको भी मेरा सलाम। आज 31 तारीख में मीटिंग इसलिए बुलाई है, सबसे मेन चीज़ तो है हमारी 11 तारीख दिल्ली रामलीला मैदान को भरना और जाम करना। ये भाई का आदेश है कि भारी से भारी संख्या में सभी साथी दिल्ली रामलीला मैदान में पहुँचे 11 तारीख में, और ये जितने भी यहाँ टीम बैठी है जिले के सारे किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं और भी साथी बहुत से आने लग रहे हैं। 12:30 बजे तक ग्राउंड भर जाएगा पूरा। इसी संबंध में हमने ये मीटिंग बुलाई है। क्या क्यों भर रहे हो रामलीला मैदान को, क्या आदेश दिया है चंद्रशेखर ने? पता तो आपको भी है, पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज जो बंदर बांट करी है भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाल्मीकि समाज को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, कोटे में से कोटा काट के दे गए, इसके विरुद्ध में है। ये ठीक नहीं है कि कोटे में से कोटा काट के विकास भाई किसी को दे दिया जाए। इसके संबंध में है कि जितना भी पिछड़ा SC OBC का आरक्षण है उसको वापस करा जाए, और जो 5% वाल्मीकि समाज का कोटा है वो अन्य आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, हमारा जो मुस्लिम समाज में जो कोटा है पिछड़े समाज का SC का, उस कोटे की भी मांग उठाई जाएगी। जो मुस्लिम समाज का जो पिछड़ों का हक है उसमें भी ठगी रो हक खाया जा रहा है। इस संबंध में चंद्रशेखर भाई ने और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम आपको बता देंगे, लेकिन मेन एजेंडा यही है दिल्ली जाम करने का, कि सरकार को वाकई घुटनों पर लाना है तो घुटनों पर ला दे। अगर भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। भारत बंद भी किया था आप लोगों ने, तमाम दलों का सहयोग था, सभी लोग शामिल भी थे, लेकिन सरकार पर कोई असर तो नहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया उसका? वो भारत बंद नहीं करा था विकास भाई, वो भारत बंद करने का एक टेलर दिखा था सरकार को, के जिले में जाकर सभी पदाधिकारी अपने जिलाधिकारियों और अपने जो उचित माय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके यहाँ विज्ञप्ति देनी थी ताकि हमारी मांग वहाँ तक पहुँच जाए। वो भारत बंद नहीं था, वो तो सिर्फ एक टेलर था। ये भी हमारी में जाट समाज पार्टी का टेलर था। भारत बंद तो अब होगा 11 तारीख में, जाम दिल्ली जाम करेंगे, और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी ना कर ले दिल्ली से कोई उठने वाला नहीं है। सालों गुजर जा, महीना गुजर जा, 10 दिन गुजर जा, तब तक मांग पूरी नहीं होगी। कोई कार्यकर्ता भारत बीमारी में जा समाज पार्टी की टीम वहाँ से हटने वाली नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले कोई माहौल बनाने की कोशिश कर रही हो आजाद समाज पार्टी? नहीं, इसमें ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी है, जो गरीबों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। उपचुनाव यूपी में है, यूपी में तो ऑलरेडी पहले ही हमारा SC मुस्लिम भी आप जाके देखिए वहाँ सर्वा करिए, पहले ही बोल लेगा मैं चंद्रशेखर भाई को अपना नेता मान लिया। उसका कारण है अखिलेश को हमने वोट दिया, अब अखिलेश के सांसद बनने के बाद कितने हत्याचार हुए हमारे पास, हो रहे, कहीं बल्डोजर चल रहा, कहीं धक्का देगा नहर में डुबोका मार दिया, पुलिस मार रही है, कहीं SC कहीं OBC कहीं मुस्लिम समाज के पिछड़े लोग हैं, सबके साथ जाती हो रही। कोई समाजवादी पार्टी का नेता सड़कों पर देखा आपने? किस आतीन देखा हो, अखिलेश यादव देखा हो, राहुल गांधी देखा हो, या अन्य कोई और नेता देखा हो? तो हमें सड़कों में विकास भाई कोई नहीं मिला, तो हमें तो मन में डाल लिया कि सारी पार्टी देख ली, हर चुनाव में खेत ली। वाकई में क्या दिल्ली बंद करने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? जी बिल्कुल, दिल्ली बंद करने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हमारे जो चंद्रशेखर जी हैं जुल्म के प्रति आवाज़ उठाते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, तो हमारा पक्का इरादा है दिल्ली बंद करने का। ठीक है, क्या लगता है कि अगर इस बार 11 सितंबर को जो आह्वान किया जा रहा चंद्रशेखर की तरफ से, क्या उसका कोई असर पड़ेगा सरकार पे? उसका पूरा असर सरकार पे पड़ेगा विकास भाई। देखो, हमने 2 अप्रैल को भारत बंद किया तब भी असर दिखाया था, अब की बार 11 अप्रैल को भाई चंद्रशेखर का डायरेक्ट आह्वान आया हुआ है, उनका संदेश आया है, तो अब की बार देखना उससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और पूरा दिल्ली क्या पूरा भारत ही बंद होगा।
इस बात से तुम देखना, 11 तारीख को बहुत पब्लिक जाएगी, पहुंच भी गई है अभी रास्ते पे, बहुत अब जा भी रहे पहले से, क्योंकि सरकार का एजेंडा है कि रोके जा रहा है, हमारे लोगों को रोके भी जाएगा और बहुत कुछ इसमें अनचन भी होगी रास्ते में, इसलिए हमारे लोग पहले भी जा चुके हैं वहाँ पर, अभी भी जा चुके लोग बाग। ठीक है, तो 11 सितंबर को क्या कुछ करने जा रहे हैं इसका तो खुलासा कर दिया, लेकिन इस बैठक में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या चंद्रशेखर बहाने लगेगा आप लोगों को? चंद्रशेखर बहाने लगेगा आप लोग? बिल्कुल बाहर है जी। अच्छा जी, क्या वजह? क्या वजह? गरीबों के मददगार हैं, गरीबों की सेवा करने वाले हैं हमें, और उनके अच्छे विचार हैं इसलिए हम आ रहे हैं। अच्छा। और भी आएंगे इस पार्टी में। कौन आएंगे? और भी आदमी हमारे साथ लगे हुए हैं। अच्छा। जो आएंगे और जो लग रहे हैं और आ भी रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल आएंगे जरूर, हम भी ऐसे ही लगे हैं, हमें भी उनकी बात अच्छी लगी इसलिए हम आए हैं पार्टी में। अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं युवा भी चंद्रशेखर को? विकास भाई, मैं जमानत अली जोगी, जिला उपाध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी, किसान मोर्चा। अब आप एक बात बताइए, अभी रुड़की क्षेत्र में एक मामला हुआ, एक युवक को नहर में तालाब में डुबा के मारा गया, उसकी हत्या की आशंका जताई गई है। अब ये बताइए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो सिर्फ कुर्सी चाहता है, गरीब मजलूम की आवाज़ जो उठाते हैं वो हमारे चंद्रशेखर भाई, वहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे, वहाँ क्यों अखिलेश यादव नहीं पहुँचे? क्यों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बात पहुँच रहे हैं वहाँ पे? इमरान मसूद जी अपना, काजी निजामुद्दीन विधायक, मंगलोर विधायक, बाद में पहुँचते हैं, पहले भीम आर्मी क्यों पहुँचती है वहाँ पे? क्या इनको ही दर्द है? वोट लेने सब आ जाते हैं मुस्लिमों का, लेकिन काम कौन करता है? चंद्रशेखर आज़ाद, नाम क्या होता है? अखिलेश यादव। अखिलेश क्यों है? अखिलेश यादव क्या हमारा क्या बांटना खाना अखिलेश यादव से? हमारा जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। पिछड़ों की आवाज़, गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजह है कि जो मुस्लिम समाज का झुकाव होने लगा है? जो गरीबों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। भाई साहब जो भैया जो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, वो गरीबों के साथ खड़े हैं, 24 घंटे इनके सहयोग करते हैं, और जो इनकी बात करेगा वोट भी मुस्लिम समाज उसी को देगा। मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोई अलग से ही मुहिम चला रखी है क्या आप लोगों ने? अपने आप ही जुड़ रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये भाई के विचार सुन सुन के जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इतना है वर्कर को जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, अगर इन्हें कोई तंग और परेशान करेगा जिले में तो साथ भी देना पड़ेगा ना, इकट्ठे हो गए तो। हमें दलित मुस्लिम एकता अभियान शुरू कर रखा है और 27 में इसका रंग जो है पलट जाएगा, उपचुनाव में भी दिखेगा सर। इस चुनाव में 10 की 10 पार करेगा इंशाल्लाह, पूरी तैयारी है 10 की 10 पार। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आज जब ये बैठक हो रही थी, इस बैठक के अंदर 11 सितंबर को लेकर तो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, पूरा तय कर चुके हैं, दिल्ली को घेरा जाएगा आरक्षण के वर्गीकरण मामले को लेकर। इसके अलावा दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए भी आज़ाद समाज पार्टी जी जान से जुड़ी हुई है, उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं ये लोग। और इसके अलावा 2027 का जो चुनाव होना है उसको लेकर भी बड़े दावे जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से किए जा रहे हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।